खबर बाराबंकी जनपद के कुर्सी थाना क्षेत्र से है, जहां पर राजकीय इंटर कॉलेज के पीछे एक शव बरामद हुआ है, जिसका सर कटा हुआ था तथा उसकी हत्या लगभग 3 दिन पहले की गई थी। जानकारी के अनुसार उसकी पहचान सुनील कुमार विश्वकर्मा तथा उम्र लगभग 36 वर्ष है, जो कि ग्राम मोहम्मदपुर गढ़ी का रहने वाला है। मृत्यु किस कारण से हुई है इसका अभी पता नहीं चल पाया है। खबर लिखे जाने तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जब देखने आए हैं तो पूरा इधर उधर झाड़ी जंगल देखे, फिर एक लड़का छोटा सा था वो धान में उतरा तो एक लीक लगी थी थोड़ी हल्की हल्की, उधर जब देखा तो वहाँ पे लाश पड़ी हुई थी। लड़के का क्या नाम है? सुनील कुमार विश्वकर्मा। उसकी उम्र कितनी होगी लड़का जो बच्चा देखा है? अच्छा, जो बच्चा देखा है उसको, नहीं नहीं 14-15 साल का होगा, 10-12-15 लोग थे हम लोग तो उसने बताया जी। बस वही देख के फिर हम लोग देखे हैं, फिर हम कुर्सी थाने फोन भी किए, अपनी चौकी भी महंगवा किए, फिर बताए हैं। अच्छा, तो पीड़िता की आप क्या मदद कर रहे हैं इस समय? पीड़िता बहुत निहायत गरीब है, जमीन भी एक बिसुआ उसके पास नहीं है, 2 बच्चे हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या मदद करेंगे आप? शासन प्रशासन में क्या मदद इसकी करेंगे? अब शासन प्रशासन को हम सूचना दिया, शासन प्रशासन जो मदद लिखा पढ़ी करेंगे। हम SDM साहब भी आ रहे हैं फतेहपुर जी, जो बता रहे हैं जैसा होगा वैसा हो करेंगे। खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक सिद्धेश्वर मंदिर पर समाप्त हुई। इस मीटिंग में सभी किसान भाइयों की समस्या सुनी गई और निराकरण का भी कुछ हल निकाला गया। 16 अक्टूबर को 8वां सामूहिक विवाह का भी प्रस्ताव रखा गया। 8वां सामूहिक विवाह आस्था नवीन सब्जी मंडी बाराबंकी में 16 तारीख को होगा। कार्यकर्ताओं से दूध आटा और सहयोग की अपील की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अनिल वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष गिरीश चंद्र वर्मा, ब्लॉक उपाध्यक्ष रहीस अहमद, कोषा अध्यक्ष मदन सिंह, उप ब्लॉक राकेश लोधी, महामंत्री कमलेश रावत सहित प्रधान रामशरण प्रजापति आदि लोग उपस्थित रहे।